हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आप सभी के अपने चैनल कारंडरस्कोप स्कूल में। मैं हूं आपका होस्ट आकाश। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। तो जैसा कि आप पीछे देख पाए होंगे, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोयोटा इनोवा का डिटेल्ड रिव्यू। और ये आप देख रहे हैं, एक छोटा सा मेहमान आया वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। ये कार 1,15,000 किलोमीटर चल चुकी है और फिलहाल काफ़ी बढ़िया चल रही है। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है टोयोटा इनोवा। 1,15,000 चलने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन में है कार। इसका फ्रंट लोगो हट चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस पे टोयोटा की बैजिंग होती है। और काफ़ी स्टाइलिश आपको इसके अंदर लाइट्स मिल जाती हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी बेहतरीन लुक आता है। बाकी एक छोटा सा मेहमान है वीडियो में जो कि भाग गया। गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स, ये आप देख रहे हैं। और टायर साइज़ की बात करें दोस्तों, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 15 इंच के टायर्स, ये आप टायर साइज देख रहे हैं। पीछे की बात की जाए दोस्तों, तो पीछे से आप देख रहे हैं काफ़ी स्टाइलिश लगती है गाड़ी देखने में। बाकी एक बार बूट खोल के दिखा देते हैं गाड़ी का। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इतना बूट स्पेस मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। बाकी आप थर्ड को फोल्ड कर सकते हैं और आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। फिलहाल इतना बूट स्पेस है, ये आप देख रहे हैं। एक बूफर रखा हुआ है गाड़ी के अंदर और थोड़ा सा सामान और रख जाएगा इसके आगे, तो इतना आपको स्पेस मिल जाएगा गाड़ी के बूट के अंदर। बाकी पीछे आपको इसमें रियर वाइपर मिल जाएगा, रियर डिफोगर मिल जाता है। और पीछे है पार्किंग कैमरा और पार्किंग सेंसर्स, ये आफ्टर मार्केट लेग गार्ड है। गाड़ी के अंदर काफ़ी स्टाइलिश टेल लैंप मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अब गाड़ी का पैसेंजर साइड डोर ओपन करके दिखा देते हैं आपको, स्पेस वगैरह दिखा देते हैं गाड़ी के अंदर कैसा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलहाल गाड़ी पीछे से बिल्कुल फुल है क्योंकि सामान कुछ ज़्यादा रखा हुआ है। इस तरीके से आप अपनी गाड़ी में चाइल्ड सीट लगा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी साइड चलते हैं। पैसेंजर साइड डोर की बात की जाए दोस्तों, तो कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का पैसेंजर साइड डोर। पीछे आपको पावर विंडोज मिल जाएंगे, ड्यूल टोन इंटीरियर है। और इसको हटाते हैं और आपको इसके स्पेस दिखा देते हैं गाड़ी के अंदर। तो स्पेस की बात करें दोस्तों, तो पीछे आपको लेग स्पेस डिसेंट मिल जाता है। और हेड स्पेस की बात करें तो हेड स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बाकी पीछे आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे दोस्तों दोनों साइड में, और सेंटर में मिल जाती हैं रीडिंग लाइट। और ये हैं फैन के कंट्रोल्स जिन्हें आप पीछे से एडजस्ट कर सकते हैं। दो कप होल्डर्स हैं गाड़ी के अंदर। तो चलिए अब चलते हैं आगे। और थर्ड रो में जाने के लिए फिलहाल जगह नहीं है गाड़ी के अंदर, सामान कुछ ज़्यादा रखा हुआ है। बाकी स्पेस की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डिसेंट स्पेस है थर्ड रो के अंदर। तो चलिए अब गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं, और कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स मिल जाते हैं जिसके कंट्रोल्स आपको वहां पे मिलेंगे। चारों पावर विंडोज हैं। और कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर फ्रंट से। हाइट एडजस्टेबल सीट है गाड़ी के अंदर। बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का डैशबोर्ड फ्रंट से। एक बार आपको इसका स्पीडोमीटर ऑन करके दिखा देते हैं हम। तो कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का स्पीडोमीटर। कुछ इसी तरीके का स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर। और ये लगा हुआ है इसके अंदर आफ्टर मार्केट स्टीरियो जो कि चाइनीज है, किसी कंपनी का नहीं है। बाकी ये है गाड़ी के एसी के कंट्रोल्स। और इधर में आपको मिल जाता है रियर डिफोगर, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन, ये लाइट के कंट्रोल्स, 12V का चार्जिंग सॉकेट, दो दो मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर। आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस,
हैंड रेस्ट के अंदर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और ग्लव बॉक्स के अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है दोस्तों। बाकी यहाँ पे एक क्लॉक मिल जाएगी और एमआईडी की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको शो करेंगे दो ट्रिप मीटर्स और यहाँ पे हैं इसके साइड मिरर के कंट्रोल्स। तो चलिए फिर अब आपको गाड़ी के इंजन की कंडीशन दिखा देते हैं और उसके बाद करेंगे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। बन गई बस, अब बोलेंगे टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंजन 115,000 किलोमीटर चलने के बाद। और आप देख सकते हैं गाड़ी का इंजन काफी बेहतरीन कंडीशन में है और काफी सारी टोयोटा इनोवा ऐसी हैं दोस्तों जो कि 5-5, 6-6 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं और इनके इंजन में आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं गाड़ी का इंजन कितना दमदार है। तो चलिए दोस्तों फिर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। सबसे पहले सीट बेल्ट पहन लेते हैं और अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है और आइडल कंडीशन में हल्की हल्की इसके गियर लीवर के अंदर वाइब्रेशन है। बाकी इंजन की साउंड की बात करें दोस्तों तो आपको कैबिन के अंदर काफी इंजन की साउंड महसूस होगी। और थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हैं गाड़ी के अंदर। बाकी दोस्तों स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो थोड़ा सा आपको हार्ड फील होगा और इतनी बड़ी गाड़ी है तो इसलिए फील होना एक लाजमी सी भी बात है। पिकअप की बात करें दोस्तों तो गाड़ी के अंदर आपको डिसेंट पिकअप मिल जाता है, पर जैसे ही गाड़ी 2000 आरपीएम को पार करती है उसके बाद आपको पावर में पंच मिलेगा और इसका जो टर्बो है वो ऑन हो जाता है। ये गाड़ी टोटल 115,000 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी काफी बेहतरीन चल रही है। और छोटे मोटे बम्प्स की बात करें दोस्तों तो आपको इतना कोई खास पता नहीं लगने वाला है गाड़ी के अंदर, काफी इजीली बम्प से निकल जाती है गाड़ी। और गियर्स की बात करें दोस्तों तो 115,000 चलने के बाद भी गाड़ी के गियर्स काफी स्मूथली डल रहे हैं और कोई आपको हार्ड शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी इतनी चलाने के बाद भी गाड़ी को। क्लच भी गाड़ी की काफी लाइट है और काफी स्मूथ है। थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होंगी गाड़ी के अंदर आपको जब गाड़ी आप चलाएंगे। बाकी आप सुन पा रहे होंगे कैबिन के अंदर कितनी साउंड आपको फील होने वाली है। बाकी दोस्तों गाड़ी चलाने में आपको काफी मजा आने वाला है, थोड़ी सी लंबी गाड़ी लगेगी चलाते टाइम पे और ओवरटेकिंग वगैरह की बात करें तो काफी इजीली ओवरटेक कर लेती है गाड़ी। जैसा कि आपने देखा ओवरटेकिंग के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और गाड़ी की सीट्स जो है दोस्तों काफी कंफर्टेबल है, तो लॉन्ग ड्राइव्स वगैरह में आप जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इनोवा को आप सभी जानते हैं कि कितनी बढ़िया इसके अंदर आपको राइडिंग क्वालिटी मिल जाती है और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए सबसे बेस्ट कार है इनोवा। और मैक्सिमम टूर एंड ट्रेवल्स में भी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए दोस्तों इनोवा ही चलती है। और ये आपने देखा दो स्पीड ब्रेकर थे तो उनसे काफी इजीली निकल गई गाड़ी। बाकी जजमेंट की बात करें तो जजमेंट करने में भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। हाँ आपको अंदर बैठ के गाड़ी का बोनेट जो है वो नहीं दिखेगा, पर विजिबिलिटी काफी अच्छी मिल जाती है जिसकी वजह से चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ट्रैफिक वगैरह में भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको गाड़ी को चलाने में। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग गाड़ी के अंदर काफी बेहतरीन मिल जाती है और पिकअप भी काफी बेहतरीन मिल जाता है। बाकी माइलेज की बात करें दोस्तों तो 14-15 का माइलेज मिल जाएगा आपको इनोवा से काफी आराम से। तो अब यू टर्न लेके देखते हैं। और तो थोड़ा सा हार्ड है स्टीयरिंग और जैसे ही आप छोड़ेंगे गाड़ी अपने आप सीधा हो जाएगा इसका स्टीयरिंग, जो कि काफी बढ़िया फील देता है। तो दोस्तों इतनी थी आज की वीडियो इनोवा के ऊपर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।